अरविंद बालकनी गार्डन केयर में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों स्क्रीन पे जो फूल आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को पता होगा कि ये गुलदाउदी के फूल हैं और ये पिछले साल मेरे गार्डन में थे सारे के सारे फ्लावर्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और दोस्तों यदि आपको फूलों से प्यार है, आपको गार्डनिंग से प्यार है, तो मेरा मानना है कि गुलदाउदी ज़रूर लगाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि गुलदाउदी एक ऐसा फ्लावर है विंटर का जिसमें भर के फूल आते हैं, बहुत ढेरों फूल आते हैं और शायद ही विंटर का कोई और ऐसा फ्लावर होगा जिसमें इतने सारे फूल आते हों। दोस्तों इन फूलों की कटिंग पिछले साल मैंने मई जून में तैयार किया था और मई जून में गुलदाउदी की कटिंग तैयार करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, खासकर अगर आपके पास कोई शेडी एरिया ना हो तो बहुत दिक्कत होती है उनको तैयार करने में। और रूटिंग भी काफ़ी लेट आता है, उस टाइम गर्मी बहुत होती है तो रूटिंग भी एक महीने से ऊपर हो जाते हैं तब जाके उसमें रूटिंग आती है। दोस्तों इन्हीं फूलों में से बहुत फूल ऐसे थे, बहुत सारे प्लांट ऐसे थे जिनको मैंने बहुत लेट ग्रो किया था, लेट कटिंग लगाई थी, जुलाई लास्ट और अगस्त में लगाई थी मैंने कटिंग। और लास्ट में जब फ्लावर आया तो कोई खास अंतर मुझे दिखा नहीं, क्योंकि जो मैंने लास्ट में ग्रो किया था उनमें रूटिंग जल्दी हो गई, 10 दिन के अंदर रूटिंग हो गई थी, और जो मैंने पहले ग्रो किया था उसमें महीने लग गए थे रूटिंग होने में। और दोस्तों इसके साथ मैंने ये भी अनुभव किया कि जो कटिंग मैंने पहले तैयार किया था मई जून के टाइम में, और उनके प्लांट को जब मैंने ट्रांसप्लांट किया गमलों में तो उनमें भी बहुत उनका जो विकास था बहुत स्लो था, बहुत क्योंकि उस टाइम गर्मी पड़ रही थी तो उनका विकास, चूँकि ये ठंडी का फ्लावर है तो उनका विकास बहुत अच्छे से नहीं हो रहा था, बहुत कुछ करने के बावजूद भी वो बहुत अच्छे से नहीं बढ़ रहे थे पेड़। बट जो मैंने बाद में तैयार किया अगस्त में सितंबर में, वो सारे के सारे प्लांट गमलों में जल्दी स्टेबल हो गए और बहुत तेज़ी से उनका विकास हुआ, बहुत तेज़ी से वो पेड़ चले। और उसका मेन रीज़न था कि टेम्परेचर का कम हो जाना, तो जब टेम्परेचर कम होता है तो ये पेड़ बहुत अच्छे से चलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बहुत अर्ली नहीं लगाया है नहीं कटिंग को, आप लेट लगाए हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप लगा सकते हैं। और इस समय तो रूटिंग भी 10 दिनों के अंदर हो जाती है, प्लांट भी गमलों में जल्दी चलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। आप ये मान के चलिए केवल 20% का अंतर होता है। और दोस्तों जो कटिंग आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन के पहले की कटिंग है, तो आप देख रहे हैं कि इस समय रूटिंग कितनी बढ़िया होती है, कितनी जल्दी होती है। और यही कटिंग मई जून में महीनों लग जाते हैं और ढंग से रूटिंग नहीं हो पाती उस टाइम, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो देखते हैं कैसे कटिंग लगा रहे हैं हम। ये देखिए मेरा मदर प्लांट है और इसको जो है मैंने नोट के आसपास से काट लिया है। गुलदाउदी में बहुत सारे नोट्स होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप नोट्स को देखें, बस आप ऐसी जगह काटें जहाँ जहाँ पे नोट्स का एरिया हो अगल बगल, तो आप जो है छोटी छोटी कटिंग ले लें, बड़ी कटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, छोटी कटिंग है सही रहता है, जल्दी पकड़ता है वो। और मैंने सारे के सारे जो है कटिंग काट लिए हैं और इसके बाद अब मैं इनके जो एक्स्ट्रा भी लीव्स हैं पत्तियां हैं उनको मैं निकाल दूंगा, सिर्फ ऊपर की 3-4 लीव्स रहेंगी जो होनी चाहिए और बाकी निकाल देना है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो रहती हैं तो आपकी कटिंग में नीचे से फंगल लगना स्टार्ट हो जाता है, तो अच्छा होगा कि आप उनको अधिक से अधिक पत्तियाँ निकाल दें। और दोस्तों ये मेरे पास 3-4 वैरायटी अलग अलग है और सबको मैंने ऐसे ही सारी लीफ्स जो थी वो नीचे की मैंने हटा दी है और मैं इनको अब मेरे पास एलोवेरा लगा हुआ है मेरे घर में प्लांट, तो एलोवेरा में ही मैं इनके जो नीचे का जो भाग है उसको मैं एलोवेरा में डाल के और थोड़ा सा इनको थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन्स और एंटी फंगल पावर प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा के अंदर एंटी फंगल के गुण होते हैं और साथ ही साथ ये रूटिंग में भी मदद करता है। तो अगर आपके पास है तो आप लगा दें, अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कटिंग बहुत आसानी से नॉर्मल ऐसे ही लग जाती है। मेरी जो पहली कटिंग जितनी भी आप देख रहे हैं लगी हुई है ये सब मैंने नॉर्मल ऐसे लगाया है, कोई किसी प्रकार का ना कोई जो है एलोवेरा और ना ही कोई रूटिंग हार्मोन्स का यूज किया है मैंने, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। और दोस्तों जो कटिंग है इसको आप दो मीडियम लगा सकते हैं, एक तो जो नॉर्मल रेत होता है रिवर सैंड जिसको बोलते हैं सफ़ेद बालू उसमें लगा सकते हैं, और दूसरा ये जो है मोटा वाला बालू जो होता है रेड सैंड जिसको मोरंग भी बोलते हैं हमारे यहाँ, इसमें भी आप लगा सकते हैं और दोनों में भी कटिंग लग जाती है। लेकिन मैंने जहाँ तक अनुभव किया है कि जो ये रेता वाला है बालू ये अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें कटिंग जो है जल्दी डेवलप होती है। और देखिए कुछ कटिंग मैं बालू में भी लगा रहा हूँ और पहले से कुछ कटिंग लगी भी हुई है, आप देखें कि अच्छे प्लांट हैं सारे के सारे, इसमें रूटिंग हो चुकी है। और मेरे पास एक्स्ट्रा प्लांट है क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लांट जो है लगा दिए हैं गुलदाउदी के, मेरे पास अब पॉट नहीं बचे हैं और मैं इन्हें किसी दोस्तों को रिश्तेदारों को मोहल्ले वालों को दे दूँगा,
तो आप देखिए इसमें भी बढ़िया रूटिंग हो रही है, तो दिक्कत नहीं है। आपके पास जो उपलब्ध हो, मोरंग हो तो मोरंग में लगा दें, अगर बालू है नॉर्मल वाला बालू तो इसमें लगा दें, और दोनों में रूटिंग, इसमें तो बहुत जल्दी रूटिंग मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद लगा के आप पानी डाल दें, और ध्यान रखें कि इनको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इनको डायरेक्ट धूप ना मिले। दोस्तों इनको 10 दिनों तक पानी हर दिन देना है जब तक इनमें रूटिंग ना हो जाए। तो दोस्तों अभी भी समय है, अगर आपके पास मदर प्लांट हो गुलदाउदी की तो कटिंग लगा लें। फ्लावरिंग में 1 से 20% का अंतर होगा और मेहनत से 50% कम हो जाएगा पहले की अपेक्षा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।